हेलो स्टूडेंट्स, हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? हाउ आर यू? आई होप आप सब लोग बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो। और स्टडीज कैसी चल रही है? ऐसा बिल्कुल लग रहा है कि आप लोगों का पूरा क्वेश्चन बैंक पढ़ के हो गया होगा, राइट? पढ़ लिया या नहीं पढ़ा है अभी तक? पढ़ रहे हो, दैट्स ग्रेट। तो बेटा, आज का जो हमारा ये सेशन है, आप सब लोग जानते हो ये सेशन किसके बारे में है। तो बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन था, वो मुझे मैसेजेस भी कर रहे थे कि मैम ये बता दो, रिड्यूस सिलेबल्स का पार्ट कौन सा है क्वेश्चन बैंक में और कौन सा पार्ट जो है रिड्यूस सिलेबल्स का नहीं है। हाय आशीष, साक्षी, स्वाउ इज सेइंग मोस्ट वांटेड वीडियो, यस काइंड ऑफ। सॉरी बेटा, थोड़ा सा सेटिंग्स कर रही थी, उसकी वजह से थोड़ा सा डिले हो गया। ओके, एनीवेज, नाइन्थ का कब है? नाइन्थ का भी जल्दी ही होगा, थोड़े ही दिनों में मैं शुरू करूंगी दोबारा से। ये बहुत छोटा सा वीडियो है जहाँ पे मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ विच इज़ द एक्चुअली रिड्यूस्ड पार्ट सिलेबस। तो आई होप आप सब लोग बहुत एक्साइटेड हो इस वीडियो के लिए, बट आगे जाके ऐसा ना हो आपका एक्साइटमेंट जो है वो इतना ज़्यादा ना रह जाए। बट एनी वेज, लेट्स कम टू दी क्वेश्चन बैंक। बेटा, जब मुझे लगता है आपका ये जो भी है SCERT, जब वो क्वेश्चन बैंक बना रहा था, तो पहले चैप्टर में सॉलिड स्टेट में उन्होंने रिड्यूस सिलेबल्स को ध्यान में नहीं रखा, शायद वो भूल गए थे, ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। और फिर उसके बाद बेटा, जो अपकमिंग आगे के चैप्टर्स हैं, वहाँ पे सर को दोबारा याद आ गया, अरे ये बच्चों का तो हमने सिलेबल्स रिड्यूस करवाया है, तो फिर उन्होंने उसके अकॉर्डिंग रिड्यूस सिलेबल्स के ऊपर डायरेक्टली काम करना शुरू कर दिया। तो ये कहने से बेटा, आप ये समझ सकते हो कि आपके बुक में रिड्यूस सिलेबल्स का जो पार्ट है, ओके, रिड्यूस सिलेबल्स का जो पार्ट है वो ज़्यादातर सॉलिड स्टेट जैसे चैप्टर्स में है, और बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जहाँ पे बिल्कुल भी रिड्यूस सिलेबल्स का एक भी क्वेश्चन नहीं है। अब मैं जब क्लासेस में जाती हूँ तो बच्चों को ऐसा लगता है कि क्वेश्चन बैंक में 50% क्वेश्चन तो रिड्यूस सिलेबल्स का ही है। नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स सी व्हाट परसेंटेज ऑफ क्वेश्चंस आर देयर फ्रॉम योर रिड्यूस सिलेबल्स। आई होप यू ऑल आर एक्साइटेड। तो बेटा, हम लोग केमिस्ट्री के लिए आज देखने वाले हैं, और वहाँ पे हमारा पहला चैप्टर है सॉलिड स्टेट। MCQs पे मैं बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रही हूँ कि कौन सा MCQs रिड्यूस सिलेबल्स का है, कौन सा नहीं है। हालांकि अगर आप देखोगे तो सारे MCQs ही जो रिड्यूस सिलेबल्स है उसमें से एक भी नहीं है, तो दैट इज अगेन। बट यहाँ पे ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ दी फॉलोइंग इज एन अमोरफस सॉलिड। आपको ये ABCD ये ऑप्शन दे रखे और इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा अमोरफस सॉलिड है। तो बेटा, उस केस में मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये जो है ये रिड्यूस सिलेबल्स का क्वेश्चन है। आपको आपके सिलेबल्स में अमोरफस सॉलिड और साथ साथ में बच्चों क्रिस्टलाइन सॉलिड से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, बट MCQs के लिए तो बेटा यही सजेस्ट करूंगी कि पढ़ लो। अब MCQs से हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं हम जाते हैं वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस पे। कहाँ पे जा रहे हैं बच्चों? वी आर गोइंग टू दी वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, और वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन जो रिड्यूस सिलेबल्स का पार्ट है, दैट इज व्हाट आर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस किसको बोलते हैं? तो बेटा, जैसे कि तुमने देखा होगा सॉलिड स्टेट के सेकेंड हाफ में, जहाँ पे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आपसे पूछी गई है, उसको निकाल दिया गया है, तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है ये आपको नहीं पढ़ना है, ये आपके बोर्ड एग्जाम्स में नहीं आएगा। इसके अलावा बेटा, फिर पूछा है HCP CCP के बारे में, यूनिट सेल, डायग्राम ऑफ यूनिट BCC यूनिट सेल,
तो इट इज नॉट एनी थिंग फ्रॉम रिड्यूस सिलेबस, एवरी थिंग इज फ्रॉम योर सिलेबस जो बोर्ड एग्जाम्स में आ सकते। यहाँ पे बेटा अब जो न्यूमेरिकल्स भी पूछे हैं वो न्यूमेरिकल्स भी है आपके सिलेबस का पार्ट। वेरी शॉर्ट आंसर में सिर्फ ये क्वेश्चन नंबर 3 है जिसको हम बोलते हैं व्हाट आर दी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, इसके बारे में आपको क्या किया गया है, पूछा गया है। ओके ओके ओके, क्या कमेंट्स है। मैं थोड़ा सा मैम आपके पहले वाले वीडियो देखा, आप एक अच्छे टीचर हो केमिस्ट्री के लिए। थैंक यू अतुल, थैंक यू सो मच, वेरी गुड इवनिंग गौरव। न्यूमेरिकल्स कब करवाओगे बेटा। मैं थोड़ा सा मतलब मैं पर्सनली स्ट्रेस में थी, तो जैसे ही चीज़ें ठीक हो जाती है मैं न्यूमेरिकल्स करवाना शुरू करूँगी। मिस आज आप रिड्यूस सिलेबस पढ़ाओगे कि नहीं। नहीं नहीं, मैं रिड्यूस सिलेबस बताऊंगी कि रिड्यूस सिलेबस का पार्ट क्या है। मैम प्लीज़ अदर सबके बता दो और बाय यू और योर असिस्टेंट टीचर प्लीज़। बेटा मेरा ही इकलौता चैनल है, मेरे पास मैं कहाँ इतना बड़ा तो यूट्यूब चैनल है नहीं बेटा मेरा कि मेरे पास असिस्टेंट हो, तो आई एम द ओनली पर्सन टू डील। हाँ ठीक है, मैं बाकी सारे सब्जेक्ट्स के लिए भी बता दूंगी। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे सिर्फ एक क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट आर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। अब अगर हम लोग आगे की तरफ जाए, ओके आगे की तरफ जाए, क्वेश्चन शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में इफ वी मूव टूवर्ड टाइप 1 क्वेश्चन जो कि है 2 मार्क का, तो उसके लिए डिस्टिंग्विश बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमोरफस सॉलिड। ये क्वेश्चन आपके रिड्यूस सिलेबस का पार्ट है, मतलब आपको ये क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमोरफस सॉलिड जो है वो बच्चा नहीं पढ़ना है। ये पहला क्वेश्चन है जो आपको नहीं पढ़ना है, क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमोरफस सॉलिड का। नाउ स्लोली मूविंग डाउन, बोला है फाइंड दी नंबर ऑफ एटम इन FCC यूनिट सेल। बेटा ये जो तुमको FCC यूनिट सेल का नंबर निकालने बोला है ना, हालांकि इट इज़ वेरी सिंपल, तो आप करने पे आए तो कर सकते हो, बट आपको इसके डेरिवेशंस पूछे नहीं गए हैं, तो ये भी समहाउ एक रिड्यूस सिलेबस का पार्ट है। दिस इज अगेन अ पार्ट ऑफ अ रिड्यूस सिलेबस। आगे आपको MCQs में ये फर्स्ट और थर्ड हो गया। अब इसके अलावा बेटा अगर हम लोग फर्दर देखें तो देयर इज नो अदर सच क्वेश्चन विच कैन बी आस्क। कैलकुलेट द यूनिट सेल एज लेंथ, ये भी आपके रिड्यूस का पार्ट नहीं है, ये सब कुछ आपको पढ़ के जाना है। फिर आगे बोला है पैकिंग एफिशिएंसी निकालो, BCC लेटाइस की पढ़ के जाना है, HCP में कितने स्पीयर्स होते हैं पढ़ के जाना है। अब बेटा यहाँ पे क्वेश्चन एक ये आ जाएगा, अ सब्सटेंस क्रिस्टलाइजेज इन FCC स्ट्रक्चर। आपको FCC नहीं दिया है, FCC आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो उस हिसाब से ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है यू कैन टेक इट एज अ पार्ट ऑफ अ रिड्यूस सिलेबस। ये क्या हो जाएगा, ये आपके रिड्यूस सिलेबस का पार्ट हो जाएगा। तो बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी जो है रिड्यूस सिलेबस का पार्ट हो गया। अब इतना सारा क्वेश्चन आपको सॉलिड स्टेट में मिल गया। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हो बेटा, एक्सप्लेन 1 एग्जाम्पल ऑफ ईच, एक एग्जाम्पल के साथ आपको एक्सप्लेन करना है डायामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है। तो बेटा ये रिड्यूस सिलेबस का पार्ट है, आपको मैग्नेटिकल प्रॉपर्टी और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी नहीं पढ़ना है। ओके, तो आपको ये दोनों तीनों क्वेश्चंस कुछ नहीं पढ़ने, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 6। नीचे जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं यू हैव टू स्टडी ऑल दोस क्वेश्चंस। तो बेटा लॉन्ग आंसर में कुछ भी रिड्यूस सिलेबस का पार्ट नहीं है। इसका PDF देने वाले हो क्या मैम, चाहिए होगा बेटा तो भेज दूंगी। ओके, इसके अलावा अब हम जाते हैं चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशंस पे। तो जैसे कि तुम लोग ने देखा बेटा कि सॉलिड स्टेट में इतने सारे क्वेश्चंस है विच आर अ पार्ट ऑफ अ रिड्यूस सिलेबस, लेकिन जैसे जैसे तुम आगे की तरफ जाओगे यू विल फाइंड आउट कि देर इज नो क्वेश्चन फ्रॉम रिड्यूस सिलेबस। तो बेटा ऐसा लगता है जब क्वेश्चन बैंक बनाया जा रहा था तो हमारे सर बेसिकली स्टार्टिंग में सॉलिड स्टेट में भूल गए, और फिर जब वो सॉल्यूशंस पे पहुंचे
तो उनको याद आया कि ये सिलेबस जो है रिड्यूस कर दिया गया, और फिर उसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्वेश्चंस बनाना शुरू कर दिए। तो चैप्टर नंबर 2 में अगर हम बात करें, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये आपको पढ़ना, ये आपको पढ़ना, ये आपको पढ़ना, ये भी आपको पढ़ना। तो बेटा सॉल्यूशंस में जितने भी क्वेश्चन दिए हैं, चाहे वो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हो या फिर वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हो टाइप 1 के या टाइप 2 के, सॉल्यूशंस में रिड्यूस सिलेबस का एक भी क्वेश्चन नहीं है। अब बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन आपको पढ़ना ही था, ऑस्मोसिस भी आपको पढ़ना है, ये न्यूमेरिकल्स भी उन्हीं की बिहाफ पे ये भी आपको करना है। तो आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है ये भी आपको पढ़ना है, वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ना है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पढ़ना है। तो बच्चा यहाँ पे एक चीज समझ के चलो, सॉल्यूशंस में देयर इज नो क्वेश्चन इन योर क्वेश्चन बैंक व्हिच इज अ पार्ट ऑफ अ रिड्यूस सिलेबस। रिड्यूस सिलेबस का कोई भी क्वेश्चन वहां पे नहीं दिया गया है बेटा, तो आपको 100% सॉल्यूशंस को पढ़ के जाना है। ओके, तो इट हैज टू, यू हैव टू स्टडी ऑल दी क्वेश्चंस व्हिच इज गिवन इन योर क्वेश्चन बैंक। इसके अलावा बेटा अगर हम फर्दर बात करें, हम चले गए न्यू चैप्टर आयोनिक इक्विलिब्रिया। आयोनिक इक्विलिब्रिया इससे पहले 12th स्टैंडर्ड को नहीं था, ये चैप्टर 11th में हुआ करता था, और पहली बार आयोनिक इक्विलिब्रिया क्लास 12th का पार्ट है। तो बेटा यहाँ पे आयोनिक इक्विलिब्रिया में कुछ बहुत मेजर पोर्शन रिडक्शन तो हुआ नहीं था, मेजर पोर्शन रिडक्शन हुआ नहीं था, और ये मेजर पोर्शन रिडक्शन में जो पार्ट गया है वो थोड़ा सा पार्ट गया है। तो जब आप अपने क्वेश्चन बैंक को देखोगे, जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो आपके 75% सिलेबस से ही बेस्ड है। तो आयोनिक इक्विलिब्रिया में नो क्वेश्चंस फ्रॉम रिड्यूस सिलेबस, नो क्वेश्चंस फ्रॉम रिड्यूस सिलेबस, कोई क्वेश्चन नहीं है रिड्यूस सिलेबस में से। मतलब बेटा अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि ऑल दी क्वेश्चंस आर फ्रॉम योर रिड्यू इवैल्यूएटिव पार्ट, और आपको जितना भी क्वेश्चन बैंक में दिया है वो सब कुछ पढ़ना है, चाहे ये शॉर्ट आंसर्स हो सारे 8 के 8, या इसके अलावा आपको यहाँ पे क्वेश्चंस दे रखे हो, या फिर आपके लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन हो, एक भी क्वेश्चन रिड्यूस सिलेबस का पार्ट है नहीं। मैम एग्जाम्स, मैडम ऑनलाइन एग्जाम्स, बेटा ऑनलाइन एग्जाम्स इज नॉट पॉसिबल इन महाराष्ट्र। हम टेक्निकली अभी तक इतने अच्छे नहीं हैं, हमारे पास ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं अगर हम ऑनलाइन एग्जाम्स करें तो, जिसकी वजह से ऑनलाइन एग्जाम्स कराना ये आपके बोर्ड के लिए पॉसिबल नहीं होगा। एग्जाम आज हो, एग्जाम 2 महीने बाद हो, एग्जाम 6 महीने बाद हो, एग्जाम्स विल बी ऑफलाइन, या तो फिर आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। तो बच्चा अगर एग्जाम्स देना चाहते हो तो ऑफलाइन ही देना पड़ेगा, या तो आपको डायरेक्टली ग्रेड के साथ प्रमोट कर दिया जाएगा आपके 9th स्टैंडर्ड के बेसिस पे। यू कैन क्रिएट, हाउ यू क्रिएट सच अ ग्रेट केमिस्ट्री। थैंक यू बेटा, थैंक यू स्वर्ण। ओके, तो ये मैंने आयोनिक इक्विलिब्रिया की बात कर ली। अब मैं केमिकल थर्मोडाइनामिक्स पे जाती हूँ। बेटा मुझे ना ये वीडियो बनाने के लिए इसलिए ज़रूरी लगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे थे ना, उनको अल्टीमेटली ये लग रहा था कि क्वेश्चन बैंक में सब के सब जो क्वेश्चंस हैं ना वो रिड्यूस सिलेबस का ही पार्ट है। वो 75%, मतलब वो क्वेश्चन बैंक को देख ही नहीं रहते कि इसमें से पढ़ना भी है। तो मैं आपको सिर्फ ये बता दूं, हाँ गलती हुई भी है जिन्होंने क्वेश्चन बैंक बनाया, उन्होंने सॉलिड स्टेट के अंदर बहुत सारा पार्ट जो है वो रिड्यूस सिलेबस का डाल दिया। अब बच्चों को ये लगने लगा नहीं सारे ही चैप्टर्स में ऐसा है, बेटा देखो सॉल्यूशंस में एक भी क्वेश्चन रिड्यूस सिलेबस का नहीं है, आयोनिक इक्विलिब्रिया में भी एक भी क्वेश्चन रिड्यूस सिलेबस का नहीं। थर्मोडाइनामिक की बात करें, थर्मोडाइनामिक इटसेल्फ में नो क्वेश्चंस फ्रॉम रिड्यूस सिलेबस, नो क्वेश्चन फ्रॉम रिड्यूस सिलेबस, एक सिंगल क्वेश्चन भी रिड्यूस सिलेबस का नहीं है। तो बेटा जस्ट अंडरस्टैंड कि
यहाँ पे कुछ भी नहीं पूछा गया है, कुछ भी नहीं पूछा गया है, कहाँ से रिड्यूस सिलेबल से आपको एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम वर्क निकालने बोला है, पढ़ाई है हमने, डेल्टा एच और डेल्टा यू के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करने बोला है, ये भी हमने पढ़ा है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हो बेटा। यहाँ पे एक सिंगल क्वेश्चन नहीं है रिड्यूस सिलेबल्स का पार्ट, सब कुछ ही आपको पढ़ना है थर्मोडायनामिक्स में। और बच्चों फिर ये जो क्वेश्चंस आपको दे रखे, चाहे वो एंथैल्पी ऑफ कंबशन हो, सब्लिमेशन हो, हेस लॉ हो, रिवर्सिबल प्रोसेस हो, प्रेशर वॉल्यूम का वर्क हो, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, कोई भी बचने का ऑप्शन नहीं है। करण ओके एक सेकेंड, मैम केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स लाने के लिए कैसे याद रखें? केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स लाने के लिए बेटा बस अभी एक ही उपाय है आपके पास कि पूरे केमिस्ट्री के क्वेश्चन बैंक को पढ़ लो और 80-90% मार्क्स जो है आप वो स्कोर कर लो। ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा करण कि मैं आपको पर्पसली रिप्लाई नहीं करती, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया। तो आपको जो है पूरे क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करना है और क्वेश्चन बैंक को पढ़ के जाओ, आपको केमिस्ट्री में बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। बेटा थर्मोडायनामिक्स में जैसे कि मैं बोल रही हूँ, एक भी क्वेश्चन रिड्यूस सिलेबल्स का नहीं है, तो टाइम नहीं वेस्ट करते, डायरेक्टली जाते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज चैप्टर नंबर 5। अब यहाँ पे बच्चों को ये लग रहा है कि ये एक आधा क्वेश्चन जो है वो रिड्यूस सिलेबल्स के हैं, बट बेटा मैं बता दूँ, पहले तो देखो रेजिस्टिविटी क्या होता है, सेल वोल्टेज क्या होता है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस एनएसीएल सॉल्ट ब्रिज, ये सब तो बच्चों को लग रहा है कि हाँ ये पार्ट है, लेकिन ये जो निकल कैडमियम स्टोरेज सेल है ना, इसमें बच्चा लोग को डाउट आ रहा है, क्योंकि आपको लेड ड्राई सेल हो गया या फिर लेड स्टोरेज सेल हो गया, ये सब को निकाल दिया गया, ये सब रिड्यूस सिलेबल्स का पार्ट है, लेकिन बेटा ये निकल कैडमियम सेल भी आपको पढ़ के जाना है। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको लग रहा है ये रिड्यूस सिलेबल्स है, बट नहीं, दिस इज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबल्स, निकल कैडमियम बैटरी सेल, और आपको ये पढ़ना है। तो वेरी शॉर्ट आंसर में एक भी क्वेश्चन नहीं है, रिड्यूस सिलेबल्स का सारा ही पढ़ना है। अभी कालरोश लॉ क्या होता है, सेल कांस्टेंट क्या होता है, शी, अब इसमें तो शी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शी कैसे पढ़ना है, ये न्यूमेरिकल्स, देयर इज ओके, मर्क्यूरी बैटरी प्रोवाइड मोर कांस्टेंट अदर देन ड्राई सेल, तो बेटा ये ड्राई सेल का जो पार्ट था ना, इट वॉज अ पार्ट ऑफ अ रिड्यूस सिलेबल्स, ड्राई सेल वॉज अ पार्ट ऑफ अ रिड्यूस सिलेबल्स, बट अदर देन दैट मर्क्यूरी बैटरी आपके पार्ट में है, तो दोनों के बीच में कंपैरिजन पूछा, तो वैसे तो इसको हमें ले लेना चाहिए रिड्यूस सिलेबल्स का पार्ट, बिकॉज कंपैरिजन तो तब करोगे ना जब तुमको ड्राई सेल आता रहेगा, बट हमने ड्राई सेल तो पढ़ा नहीं है, तो ये एक क्वेश्चन है जो कि आप ले सकते हो एज अ पार्ट ऑफ अ रिड्यूस सिलेबल्स। बाकी ये सारे रिएक्शंस आपको करने हैं, कालरोश लॉ, इंडिपेंडेंट माइग्रेशन, ये सब, यहाँ पे एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कि आपको रिड्यूस सिलेबल से पूछा गया, तो सिर्फ वो एक क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया हुआ है, जिसमें भी वो हमें किसके बारे में बता रहा है, मर्क्यूरी सेल के बारे में। चैप्टर नंबर 6 में है केमिकल काइनेटिक्स, बेटा केमिकल काइनेटिक्स में आपको सब कुछ पढ़ना है, जितना भी क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ है वो सब कुछ पढ़ना है, बिकॉज केमिकल काइनेटिक्स में सिर्फ कोलिजन थियरी को निकाला गया है और अरहेनियस के टेम्परेचर को निकाला गया, इसके अलावा जैसे तैसे जितने क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे क्वेश्चंस अभी भी आपके सिलेबस में प्रेजेंट है। तो बच्चों यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है पूरे केमिकल काइनेटिक्स में जो रिड्यूस सिलेबस में से हो। अब बच्चों को यहाँ पे ना डाउट आता है वो कैटलिस्ट वाले रिएक्शन पे, कैटलिस्ट वाले रिएक्शन पे आपको पोटेंशियल एनर्जी बैरियर के बेसिस पे एक्सप्लेन करने बोला है, ग्राफ के बेसिस पे, और आप उस ग्राफ के बेसिस पे उसको एक्सप्लेन करते हो तो आप कोलिजन थियरी को माइंड में लाते हो कि कोलिजन थियरी में पोटेंशियल और बैरियर वाला ग्राफ दिया था तो हमारे रिड्यूस सिलेबल्स का पार्ट है। नहीं बेटा बिल्कुल भी नहीं है, आपको ये पूरा जितना ए टू जेड क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स में दिया है वो सब के सब पढ़ के जाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है
पूरे केमिकल काइनेटिक्स में की जो रिड्यूस सिलेबस का पार्ट हो, तो यू हैव टू लर्न ऑल दिस क्वेश्चंस, ओके, चाहे वो लॉन्ग हो या शॉर्ट हो. डायनामिक्स एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16, 17 में भी आपको सब कुछ ही पढ़ के जाना है. कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो है वो रिड्यूस सिलेबस का नहीं दिया हुआ है, तो वी आर नॉट गोइंग टू वेस्ट मोर टाइम. Each and every question from this chapter is from your 75% syllabus. तो आपको इस chapter के question bank में से सब कुछ ही पढ़ के जाना है. पढ़ने जाओगे तो मुश्किल से सात एक डेढ़ घंटे का काम है, बस इतना simple ये chapter है. तो बेटा कुछ भी नहीं है जो कि reduced syllabus का part है. बच्चों को क्या लगता था कि आधा से ज्यादा question bank reduced syllabus का ही है. देख लो, सिर्फ और सिर्फ solid state में ही reduced syllabus के question आए थे, उसके अलावा और कहीं पे भी reduced syllabus का question नहीं है. आगे अगर हम लोग इसको chapter wise कर भी लेते हैं, तो आपके पास आ रहा है transition and inner transition element. बेटा ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट में भी नो क्वेश्चंस फ्रॉम रिड्यूस सिलेबस, नो क्वेश्चन फ्रॉम रिड्यूस सिलेबस. आपको रिड्यूस सिलेबस के कोई भी क्वेश्चन नहीं दिया गया. इसका मतलब ये है जितना भी क्वेश्चन इस क्वेश्चन बैंक में आया है, चाहे वो मैग्नेटिक मोमेंटम निकालने का हो, 3D सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्रिगेशन करना, या फिर एलॉय के बारे में बताना, आपको सब कुछ पढ़ना है. वो वेरी शॉर्ट आंसर्स में से भी पढ़ना है, लॉन्ग आंसर्स में से भी पढ़ना है. एवरी क्वेश्चन ऑन योर डी ब्लॉक एलिमेंट एंड योर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट के पास रिड्यूस सिलेबस में से नहीं है. तो बेटा सेम गोज विथ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. ज्यादा टाइम वेस्ट करने की बजाय मैं आपको डायरेक्टली बोल देती हूँ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी नो क्वेश्चंस फ्रॉम रिड्यूस सिलेबस, नो क्वेश्चंस फ्रॉम रिड्यूस सिलेबस. अब बेटा एक आपका टाइम बहुत वैल्यूएबल है, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ. आगे जाके जितने भी चैप्टर्स हैं, उन सारे चैप्टर्स में आपको कहीं पे भी रिड्यूस सिलेबस के क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे. एक आधा ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कंपैरिजन के बेसिस पे पूछे जा सकते हैं. तो बच्चों टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी तक बच्चों को ऐसा लग रहा था कि बहुत कुछ रिड्यूस सिलेबस में से दे दिया गया है. तो बेटा सीधा सीधी सी बात बताती हूँ, सिर्फ सॉलिड स्टेट इकलौता ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर दो तीन क्वेश्चन जो है वो रिड्यूस सिलेबस से पूछ लिया गया. अलावा इसके आपके पास कोई भी ऐसे चैप्टर में रिड्यूस सिलेबस के क्वेश्चन नहीं आए हैं, तो आपको बाकी सब कुछ एज इट इज पढ़ना है. आपको बाकी सब कुछ बेटा एज इट इज पढ़ना है. और मुझे लगता है आपके माइंड में जो डाउट है, क्या पार्ट है रिड्यूस सिलेबस का, क्या पार्ट नहीं है रिड्यूस सिलेबस का, वो क्लियर हो गया होगा. अब एक निकल कैडमियम का कंपैरिजन पढ़ लो, या फिर एक क्वेश्चन निकाल दो उससे अच्छा. तो बेटा सिंपल यही सजेस्ट करूंगी, जितना भी पार्ट दिया है वो सारा का सारा पार्ट आप कंप्लीट कर लेना. तो बच्चों सिर्फ सॉलिड स्टेट इकलौता ऐसा चैप्टर है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस रिड्यूस सिलेबल से आ गए थे. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज नो सिंगल चैप्टर वेयर दे आर आस्किंग यू अ रिड्यूस सिलेबस क्वेश्चन. तो बेटा अब मुझे लगता है आपको बात समझ में आ गई है. मैम आप जो चैप्टर के, थैंक यू करण. तो बेटा यहाँ पे आज हमने ये डिस्कस कर लिया है कि विच इज अ पार्ट ऑफ अ रिड्यूस सिलेबस एंड विच इज नॉट. तो अब माइंड में कंफ्यूजन तो नहीं रह गया होगा. तो अब जो भी आपको क्वेश्चन बैंक में दिया है एग्जैक्टली उतना ही पढ़ना है. बट इसके अलावा अगर थॉट आ रहा है कि एग्जाम में क्वेश्चन बैंक से कितना पूछेगा, तो अगर क्वेश्चन बैंक को एनालाइज करा जाए अच्छे से, तो ये पता लग के आता है कि आपके क्वेश्चन बैंक में ऑलरेडी 90% क्वेश्चन कवर हो रहे हैं नॉन इवैल्यूएटिव पार्ट का. तो उस हिसाब से आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल सकते हैं, यू कैन इवन स्कोर 90%. तो बेटा नाउ इट्स ऑल अप टू यू. अब मैंने आपको बता दिया है कि कितने क्वेश्चंस रिड्यूस सिलेबस के, कितने क्वेश्चन रिड्यूस सिलेबस के नहीं है. अब आप लोगों को सिर्फ पढ़ना है. ऑल दो मेजर नोट्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं, तो पढ़ना शुरू कर दो. इसके अलावा आप लोगों को क्विल एप्लीकेशन पे भी नोट्स मिल गए. तो बच्चों प्लीज नाउ स्टार्ट स्टडिंग, पढ़ना शुरू करो. और बच्चों
इसके साथ बस आज के इस सेशन में इतना ही। हम दोबारा मिलेंगे विद न्यू सेशन। आपको जिस पर्टिकुलर टॉपिक पे डाउट होगा या आप जो भी टॉपिक्स चाहते हो कि जो हम कवर करें क्लास 12th के लिए, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन कर देना, फिर हम उसी के अकॉर्डिंग अपने अपकमिंग जो सेशंस होंगे उसको रखेंगे। बट जाने से पहले बेटा चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना और वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। टिल देन गाइज, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, सी यू इन सम अदर सेशंस। बट जाते वक्त एक ही चीज बोलूंगी, क्वेश्चन बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन बैंक में हजारों क्वेश्चन रिड्यूस सिलेबस में से नहीं है, 2-3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन पूरे क्वेश्चन बैंक में मिला के आपको रिड्यूस सिलेबस से मिल जाएगा। तो ज्यादा टाइम ये चीज लगाने में कि कौन सा रिड्यूस का है कौन सा रिड्यूस का नहीं है, सॉलिड स्टेट इकलौता ऐसा चैप्टर है जिसमें 2-3 क्वेश्चन रिड्यूस सिलेबस के आ गए। उसके बाद सॉल्यूशंस बनाते बनाते सर को याद आ गया था और फिर उन्होंने उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस बनाना शुरू कर दिया। तो फिर आपको सॉल्यूशन से लेके ग्रीन केमिस्ट्री तक कहीं पे भी रिड्यूस सिलेबस में से क्वेश्चन नहीं मिल रहा। लेकिन बच्चों, आप लोगों को अगर ये लग रहा है कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो रिड्यूस सिलेबस में से है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और 10th का लेक्चर कब है? बहुत जल्दी बेटा, बहुत जल्दी, एक बार 12th को वाइंड अप कर देते हैं, देन वी विल कम अप विद 10th स्टैंडर्ड। मिस पॉलीमर के लॉन्ग आंसर रिड्यूस में से है ना? नहीं नहीं बेटा, ऐसा पॉलीमर के लॉन्ग आंसर्स, चलो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ पॉलीमर्स में क्या है अगर आपको डाउट आ रहा है। पॉलीमर्स में आपको लॉन्ग आंसर में टेफ्लॉन पूछा, ये जो आपका विस्कस रेयन है ना, हाँ, ये जब मैं मार्किंग करवा रही थी तभी मैंने बोला था कि विस्कस रेयन जो है ये रिड्यूस सिलेबस का पार्ट है। एक ही क्वेश्चन है, विच इज अ विस्कस रेयन, बाकी पॉली आइक्रोनाइट्राइल, आइसोप्रीन, एसबीआर, ये सब कुछ तो आपको पढ़ना ही था, सिर्फ ये एक क्वेश्चन है विस्कस रेयन जो कि रिड्यूस सिलेबस का पार्ट है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मैं आप लोगों से दोबारा मिलूंगी एक न्यू सेशन में, पर प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को लाइक कर देना और प्लीज अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ भी शेयर करो। टिल देन बच्चा लोग, बाय बाय, टेक केयर और स्टडी हार्ड। थोड़ा सा ही दिन बचा हुआ है, पढ़ लो और एग्जाम्स होंगे या कोविड की वजह से टल जाएंगे, वो सबके बारे में मत सोचो, आप अपना जॉब करो, पढ़ के तैयार रहो जब भी एग्जाम।